शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। साथियों, हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ 50 करोड़ गरीबों को मिलना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 21 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का लाभ 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से 1.5 करोड़ परिवारों को उनके अपने पक्के घर मिले हैं। अब इस बजट में 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को, 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर परिवारों को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। साथियों, सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी रिकॉर्ड गति से कम हो रही है। लाखों करोड़ों लोग गरीबी को परास्त करके नियो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। देश का ये बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपने साकार करने में और साथ साथ देश के विकास को गति देने में जुटा हुआ है। ऐसे समय में इस बढ़ते मिडिल क्लास की आशा आकांक्षाओं को कुछ कर दिखाने के जज्बे को हौसला मिले, उसको सपोर्ट मिले, इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं देश के मिडिल क्लास, सैलरीड मिडिल क्लास को इनकम टैक्स दरों में मिली छूट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग की उदारता ही है, उनकी ईमानदारी ही है, कानून को मानकर चलने की उनकी प्रतिबद्धता ही है जिसकी वजह से देश को टैक्स मिलता है, देश की योजनाएं बनती हैं, गरीब का कल्याण होता है। बरसों से ये मांग रही है कि 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त घोषित किया जाए। इतने वर्षों से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है।